शहडोल में 3 घंटे की तेज बारिश में 3 पुलिया बह गईं। लाखों की लागत से बनी पुलिया बहने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। पुलिया बहने से आसपास के लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहीं आवागमन भी बाधित हो रहा है। यहां हम आपको बता दें कि पंच परमेश्वर नरेगा योजना के तहत विभाग ने 1 साल पहले ही पुलिया बनवाई थी। बुडार जनपद के ग्राम भमला अंतर्गत ओरगन टोला, पतेरा टोला, बूढ़ा टोला का यह मामला है। एक बार 3 घंटा बारिश हुआ है, उसमें से 3 पुल बह गए हैं। एक पुल जो यही है 5 लाख की लागत से बना था, 2 पुल ग्रेवल रोड की है, वो 2.5 लाख की लागत से बने हुए थे। अब हम लोग बड़ी असमंजम में आ गए हैं, हमको कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। पूरा रास्ता में पानी भर गया है, अब कहाँ जाए कहाँ आए। इससे हमारा 20-25 गांवों का आना आवागमन होता रहता है। और इतना घटिया निर्माण किए गए हैं कि इसमें न एक रॉड लगाया गया है न एक गिट्टी। 3 घंटा के बारिश में 3 पुल बह गए हैं। कितने गांव प्रभावित हो गए जो नहीं आ जा सक रहे हैं? कम से कम 15-20 गांव। तो उनका कैसे निस्तार हो रहा है, वहीं फंसे हैं क्या? सब यहीं फंसे हैं, कहीं हम नहीं आ जा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। हमको थाना भी जाना है तो इसी रोड से जाना है, अस्पताल भी जाना है तो इसी रोड से जाना है। पूरी रास्ते बंद कर दिया गया है। ये कौन बनाया है? ये रोजगार सहायक बनाए थे, विवेक तिवारी। तो एक ही बरसात में एक ही बरसात में 3 घंटा पानी हुआ है। 3 घंटा के बाद पूरी 3 पुल एक ही दिन टूट गए हैं, पहला बरसात में।